Welcome to Milestone Online Study. I'm Professor Lav Singh and we're gonna give you a best IELTS reading series, especially in Punjabi. बच्चे जिवें तुसीं देखिए एग्जाम्स दे विच काफ़ी बार अपनी रीडिंग्स रिपीट हुई ने गियाँ, बहुत ज़्यादा रीडिंग्स रिपीट हुई ने, तो असीं रिपीटड रीडिंग्स भी इस चैनल दे उपर अपलोड कर रहे हैं। उहदे नाल नाल असीं जिवें तुहानूं दस्सिया वी 500 तो वध असीं रीडिंग्स इस चैनल दे उपर अपलोड करांगे, तो 100 प्लस रीडिंग्स असीं ऑलरेडी इस चैनल दे उपर अपलोड करतीआं राजे। थैंक यू सो मच साडा, क्योंकि तुसीं इस चैनल नूं, इस इंस्टीट्यूट नूं पंजाब दा नंबर वन रीडिंग स्पैशलाइज्ड इंस्टीट्यूट बनाया। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर रीडिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइलस्टोन ऑनलाइन स्टडी। माय नेम इज सिमरन, ते आज आप करांगे आयल्स अकैडमिक रीडिंग दा एक होर पैसेज जिदा की नेम है जी द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। मैनी इनोवेशंस एंड अप एज लेमन्स, ऑज क्लीन टर्न लेमन्स इन टू अ वाइनिंग फॉर्मूला। बेसिकली जे आप गल करिए इस पैसेज की, तो इस पैसेज के गिवन है इनोवेटिव आइडियाज़ गिवन ने, तो एक एग्जाम्पल गिवन है एक कंपनी की जिदे की इनोवेशन सी बहुत सारी, एंटरप्रेन्योरशिप तो इनोवेशन की बेसिकली इस पैराग्राफ के गल हुई है पूरे। हुण जे आप क्वेश्चन के टाइप्स की गल करिए, क्वेश्चन टाइप्स ने इस देखते हैं आप। फर्स्ट टाइप है जी विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इनफॉर्मेशन। आपां नूं 7 स्टेटमेंट्स गिवन ने, तो दसना भी ये स्टेटमेंट किहड़े पैराग्राफ के कही गई है पैसेज, ठीक है जी। नैक्सट टाइप हैगी है जी अपनी लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। आपां नूं 4 इंसान गिवन ने, तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स गिवन ने, तो आपां दसना भी किहड़े इंसान ने किहड़ी स्टेटमेंट कही है, ठीक है जी। नैक्सट है जी MCQs ने अपने कोल 2, तो ये अपने क्वेश्चन के टाइप्स। तो हुण आपां फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की है जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ वन फैमिली मैंबर परसुएडिंग अनादर फॉर सैलिंग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मतलब एक डिस्क्रिप्शन है, एक गल कही होगी, गल दी गई होगी भी एक फैमिली मैंबर दूसरे फैमिली मैंबर नूं परसुएड कर रहा है ऑफ सैलिंग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स नूं सैल करन लई परसुएड कर रहा है, मना रहा है, ठीक है जी। तो यदा आंसर कितों है, यदा आंसर आएगा जी एफ पैराग्राफ। आप देखते हैं कितों आऊगा यदा आंसर। फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं आप एफ पैराग्राफ की। ऑजक्लीन्स नैक्सट बिग ब्रेक केम वैन द डॉटर ऑफ अ कोल्स मेयर एग्जीक्यूटिव वन यूज द प्रोडक्ट वाइल ऑन हॉलीडेज इन क्वींसलैंड एंड कन्विंस्ड हर फादर दैट शावर पावर शुड बी इन सुपर मार्केट्स। मतलब डॉटर ने अपने फादर नूं कन्विंस किया, परसुएड किया, हो गया ना, एक फैमिली मैंबर ने दूसरे मैंबर नूं परसुएड किया भी जिहड़ा शावर पावर है वह सुपर मार्केट्स होना चाहिए, मीनिंग सैलिंग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, मतलब ये जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो सैल किए जाने चाहिए हैं। तो अपना फर्स्ट का आंसर आ गया जी एफ। हाँ जी, सैकेंड चलते हैं हूँ तो आप सैकेंड क्वेश्चन पर। सैकेंड क्वेश्चन की कह रहा है, एन अकाउंट ऑफ द कॉरपोरेशन ऑफ ऑल फैक्ट्री स्टाफ टू कोप विद द सेल्स इनक्रीज। अकाउंट ऑफ मतलब एक गल की गई होगी भी फैक्ट्री स्टाफ की कॉरपोरेशन की करने वास्ते, सेल्स इनक्रीज़ न कोप करने वास्ते, सेल्स की इनक्रीज़ न सही ढंग मैनेज करने लिए कॉपरेशन की, कॉपरेशन की दी फैक्ट्री दे स्टाफ दी। एदा की आंसर होगा जी, एदा आंसर होगा जी ई पैराग्राफ च। ई पैराग्राफ च कित्थे वो देखते हैं हुण आपां। ई पैराग्राफ की सैकेंड लाइन तो पढ़ने स्टार्ट करते हैं आपां। इट वॉज ऑल हैंड्स ऑन डैक कैट द फैक्ट्री लेबलिंग एंड बॉटलिंग शावर पावर टू कीप अप विद डिमांड। कीप अप विद डिमांड मतलब कोप करना डिमांड नूं, डिमांड वध रही सी उनू, उते कीप अप करन वास्ते, उनू कीप करन वास्ते, मैनेजेबल रखन वास्ते जिहड़ी आ फैक्ट्री स्टाफ सी उन्हें बहुत कोऑपरेशन दिखाई, ठीक है जी। तो इहदा आंसर ए है, ई ऑप्शन, सैकेंड आंसर इज ई। थर्ड क्वेश्चन से चलते हैं हुण आपां। एन अकाउंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ शावर पावर। अकाउंट ऑफ मतलब अगेन एक गल की होगी, एक रैफरेंस होगी, कादी गल की हुई होगी भी जिहड़ा शावर पावर का फॉर्मूला सी ओदी क्रिएशन बारे कोई गल की होगी, किवें क्रिएट होया या किस तरह या किने क्रिएट किया उस चीज़ की गल हुई होगी। बेसिकली फॉर्मूला देखना आप, फॉर्मूला शावर पावर का किहड़े पैराग्राफ च गल की गई है। वो आंसर है जी सी, सी पैराग्राफ से आंसर है। देखो सी पैराग्राफ भी कितने आंसर वो चैक करते हूँ आप। सी पैराग्राफ की फिफ्थ लाइन देखते हैं। पीटर दिस गया ना अपन, पीटर एज्ड 24 उतों आऊगा। एट द टाइम बिगेन वर्किंग विद द केमिस्ट ऑन द फॉर्मूलाज लुकिंग एट द पोटेंशियल फॉर सिट्रस बेस्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। ही डिटेस्टेड ऑल द क्लोरीन बेस्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स दैट डोमिनेटेड द मार्केट। वी डिडंट वॉन्ट टू यूज क्लोरीन, सिंपल एज दैट। ही सेज इट ऑफर्स बैड वर्किंग कंडीशंस एंड देयर इज नो मनी इन इट।
Peter looked at citrus ingredients such as orange peel to replace the petroleum byproducts in cleaners. He is credited with finding the shower power formula. Finding, create करना, shower power formula. मतलब shower power formula दे अपनी गल होगी ना इस paragraph दे विच, तो answer अपना definitely C ही लगू गएगा. ना third answer किया गया जी अपना? Third answer is C. Fourth question पढ़ते हैं अपना. फोर्थ क्वेश्चन की कह रहा है जी, एन अकाउंट ऑफ बाइंग द ओरिजिनल ओजक्लीन कंपनी. अकाउंट मतलब गल की गई होगी ओजक्लीन कंपनी नू बाय करन दी, मतलब बाय बेची गई हो या किसी ने खरीदी हो ओजक्लीन कंपनी. वो देखने आप किस पैराग्राफ का आंसर है. इसका आंसर है जी बी पैराग्राफ के विच. बी पैराग्राफ की थर्ड लाइन देखो जी, टॉम क्विन एंड जॉन हैरॉन, ये आ गए ना दो इंसान. हाँ जी, तो इतों आऊगा अपना आंसर. टॉम क्विन एंड जॉन हैरॉन बॉट अ स्ट्रगलिंग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बिजनेस ओजक्लीन फॉर 250,000. मतलब जो टॉम क्विन ते जॉन हैरॉन से उन्होंने एक स्ट्रगलिंग क्लीनिंग प्रोडक्ट बिजनेस बाय किया जिहदा नाम की सी ओजक्लीन. सेम मतलब निकल गया ना भी ओजक्लीन किसी ने बाय की होगी और गल होगी. इस पैराग्राफ तो अपना फोर्थ का आंसर किया गया जी. फोर्थ का आंसर इज बी. फिफ्थ क्वेश्चन वाल चलते हैं हूँ आप. फिफ्थ क्वेश्चन की कह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ शावर पावर्स इंटरनेशनल एक्सपेंशन. मतलब डिस्क्रिप्शन एक लाइन च भी गिवन हो सकती है, तीन लाइना, चार लाइना या पूरे पैराग्राफ ची भी जोड़ा शावर पावर है वो एक्सपेंशन किमें है, मतलब वो इंटरनेशनल एक्सपेंशन बारे गल की गई होगी. यद आंसर है जी जी पैराग्राफ ची. सेम स्लाइड पर विजिबल है अपन कि लाइन वो देखते हूँ आप. जी पैराग्राफ की थर्ड लाइन तो देखो जी, थर्ड लाइन विद अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट मिल गया जी. हाँ जी, विद अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट ओजक्लीन इज एक्सपेंडिंग ओवरसीज. एक्सपांड की गल होगी, ओवरसीज मतलब इंटरनेशनल की गल होगी. एंड डेवलपिंग मोर पावर ब्रांड हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स. टॉम क्विन हु प्रीवियसली रैन अ रियल एस्टेट एजेंसी सेज वी आर कंपीटिंग विद द सेम मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड, द क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एवरीवेयर. मतलब उन्होंने ओवरसीज एक्सपेंशन हो रही थी तो वो डेवलप कर रहे थे मोर पावर ब्रांड हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स नू. तो कह रहा है भी हुण साडे जिहड़े प्रोडक्ट्स ने है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वेचे जा रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन होगी जी. तो अपना फिफ्थ का आंसर की लग गया जी. सिक्स्थ क्वेश्चन बाद चलते हैं हूँ आप. सिक्स्थ क्वेश्चन केड़े पैराग्राफ है? सिक्स्थ क्वेश्चन है जी, द रीजन ऑफ चेंजिंग द पैकेजिंग साइज ऑफ शावर पावर. मतलब शावर पावर की पैकेजिंग का साइज चेंज करन दे पिछे दा रीजन आपां नूं गिवन होगा उस पैराग्राफ च, जिथे आपां नूं वो रीजन मिल गया अपना वो पैराग्राफ जी आंसर है. तो इहदा आंसर है जी डी पैराग्राफ दे विच. डी पैराग्राफ च कित्थों वो देखते हैं. डी पैराग्राफ की फस्ट लाइन दे विच ही इहदा आंसर गिवन है. To begin with, shower power was sold only in commercial quantities, but Tom Quinn decided to sell it in 750 ml bottles after the constant raves from customers at the retail store at near Brisbane. मतलब क्यों चेंज किया सी? After the constant raves, raves हुंदा डिमांड, मतलब कस्टमर्स दी डिमांड्स करके उन्हें जरा पैकेजिंग दा बॉटल्स दी पैकेजिंग सी वो चेंज करती सी. कादे करके रीजन अपन मिल गया कॉन्सटेंट डिमांड्स फ्रॉम कस्टमर्स. ठीक है जी, तो अपना सिक्स का आंसर लग गया डी पैराग्राफ. सैवंथ क्वेश्चन देखो हूँ, एन एग्जाम्पल ऑफ सम इनोवेटिव आइडियाज़. मतलब कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ दी एग्जाम्पल गिवन होंगी. एदा आंसर केड़े पैराग्राफ च है वो दस दें जी, जिथे आप एग्जाम्पल दिखाई हुई मिल जाए. सैवंथ पैराग्राफ, सैवंथ क्वेश्चन का आंसर है जी ए पैराग्राफ के विच. सब तो फस्ट पैराग्राफ है जिहड़ा. हाँ जी, ए पैराग्राफ दी सिक्स लाइन देखो. ए पैराग्राफ की सिक्स लाइन, न्यू वाटर सेविंग शावर हेड्स, अ कीलेस लॉकिंग सिस्टम, पिंग पोंग बॉल्स दैट कीप पोल्यूशन आउट ऑफ रेन वाटर टैंक्स, मेकिंग टीथ ग्रो फ्रॉम स्टेम सेल्स इंसर्टेड इन द गम, एंड टेक्नोलॉजी टू स्टॉप एलपीजी टैंक्स फ्रॉम एक्सप्लोडिंग. मतलब ये कुछ इनोवेटिव आइडियाज दी एग्जाम्पल दिखाई हुई हैं पैसेज के विच ए पैराग्राफ के विच. तो अपना सैवन का आंसर लग गया जी ए पैराग्राफ. A answer is the A paragraph is the answer of 7th. ठीक है जी, हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन टाइप वाल चलते हैं. नैक्सट क्वेश्चन है जी लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स. आपां इंसान नूं स्टेटमेंट नाल मैच करना है. फस्ट 8th क्वेश्चन देखो. फस्ट आपां नूं पर्सन का नाम गिवन है ग्रैंट करनी. इहदा आंसर हुण कित्थे है जी वो देखते हैं आपां.
ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਜੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇਜ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਲਾਸਟ ਫੋਰਥ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨੀ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਕਨੈਕਟਸ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਟੂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕਸ ਸੇਜ਼ ਹੀ ਹੀਅਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੈਟ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਗੈਟ ਔਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਾਈ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਆਰ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆ ਓਨਲੀ ਬਿਕਮਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਰਿਸੋਰਸ ਐਂਡ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ ਜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਤੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਤੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏਗੀ ਜੀ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਨੀਡ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਸਕਸੀਡ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਕਸੀਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 8th ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 9th ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਟੌਮ ਕੁਇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ 4th ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 4th ਲਾਈਨ ਵੀ ਡਿਡ ਅ ਡਮੀ ਲੇਬਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਡਿਡ ਅ ਡਮੀ ਲੇਬਲ ਐਂਡ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸੀ ਵੂਲਵਰਥਸ ਟੌਮ ਕੁਇਨ ਸੇਜ਼ ਟੌਮ ਕੁਇਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਟੌਮ ਕੁਇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨੇ ਟੌਮ ਕੁਇਨ ਸੇਜ਼ ਦ ਵੂਲਵਰਥਸ ਬਾਇਰ ਟੁੱਕ ਅ ਬੋਟਲ ਹੋਮ ਐਂਡ ਵਾਜ ਏਬਲ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਅ ਸਟੇਨ ਫਰੋਮ ਹਰ ਬੇਸਿਨ ਦੈਟ ਹੈਡ ਬੀਨ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਸ਼ਿਫਟ ਮਤਲਬ ਟੌਮ ਕੁਇਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡਿਡ ਅ ਡਮੀ ਲੇਬਲ ਐਂਡ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸੀ ਵੂਲਵਰਥਸ ਮਤਲਬ ਵੂਲਵਰਥਸ 'ਚ ਉਹ ਗਿਆ ਡਮੀ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੇਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਟੌਮ ਕੁਇਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਏ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਹਿਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਸੈਲਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਟੂ ਅ ਚੇਨ ਸਟੋਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਮਿਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰੀ ਉਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੂਲਸਵਰਥ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਟੇਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਟੌਮ ਕੁਇਨ ਨੇ ਇਹੀ ਸਟੋਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 9th ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ ਏ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 10th ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ 10th ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੀਟਰ ਕੁਇਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ 3rd ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜੀ ਪੀਟਰ ਕੁਇਨ ਵਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕਸੈਸ ਪੀਟਰ ਕੁਇਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੀਟਰ ਕੁਇਨ ਸੇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਦ ਕੰਪਨੀ ਵਾਜ਼ ਵਰੀ ਆਫ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਦ ਸੇਲਸ ਵੁੱਡ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟਡ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਮਨੀ ਔਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਸੇਲਜ਼ ਲਾਸਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਸੀ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲੀਵਸ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਾਈਕ ਸ਼ਵ ਪਾਵੋ ਮੇ ਇਨਕਰ ਰਿਸਕਸ ਇਹ ਰਿਸਕਸ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸੇਲਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਲਾਸਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰਿਸਕਸ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 10th ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਡੀ ਹੁਣ 11 ਦੇਖੋ ਬੈਲਿੰਡਾ ਮੈਕਡੋਨਲ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬੈਲਿੰਡਾ ਮੈਕਡੋਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
लास्ट सेकेंड लाइन, इट वॉज हैंड टू माउथ, मिल गया जी, हाँ जी, इट वॉज हैंड टू माउथ, कैश फ्लो वॉज वेरी डिफिकल्ट सेज शी सेज, ऑस्क्रीन हैड टू पे न्यू लाइन फीस टू सुपर मार्केट चेंज विच ऑल्सो स्क्वीज्ड मार्जिनस, ठीक है जी, मतलब उन्हें की क्या भी कैश फ्लो सीगा जेड़ा हैंड टू माउथ सी, मतलब की कह रहे हैं भी जदों सेल्स इंक्रीज हुई हैं तो मनी बहुत घट से उन्होंने को कैश फ्लो वॉज वेरी डिफिकल्ट, मतलब कैश का फ्लो होना कैश का आना जाना बहुत डिफिकल्ट क्योंकि उन्होंने को कैश घट सीगा। तो हूँ आप स्टेटमेंट वाल चलते हैं, कि स्टेटमेंट सुटेबल ज़्यादा है ये वास्ते, तो अपना 11th आंसर आऊगा जी बी स्टेटमेंट, एक्सप्लेन्ड दैट देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ मनी वैन सेल्स सडनली इंक्रीज, मतलब उन्हें जदों सेल्स सडनली इंक्रीज हो गई तो उन्होंने को मनी की शॉर्टेज सी, ठीक है जी, तो यही चीज़ उन्हें कही सी पैराग्राफ के विच आपां हुणी पढ़ के आए हैं। तो 11th आंसर आ जूगा जी बी। नाउ लैट्स मूव टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन पढ़ने पहला, टॉम क्विन changed the bottle size to 750 ml to make shower power A easier to package, नहीं easy बनाना सी, नहीं B appealing to individual customers, appeal करना सीगा, हाँ जी appeal करना सी attract करना सी, अपा क्या सी ना भी उन्हें देखा सी हुनी reason अपा पढ़िया सीगा भी उन्हें जिहड़ी packaging सी bottle दी वह क्यों change की सी, to cope up with the demand, मतलब customers दी demand नू पूरा करने लिए उन्हें change किया सी, तो individual customers नू appeal किया सी और जदों उन्हां दी डिमांड पूरी होगी कस्टमर्स की है ना ताही तो अपील होणगे, तां करके इहदा आंसर आऊगा जी बी अपीलिंग टू इंडिविजुअल कस्टमरस, तो यह अपना आंसर आऊगा, ये देखो भी कितों आऊगा इहदा आंसर, इहदा आंसर आएगा जी डी पैराग्राफ चों, डी पैराग्राफ की फस्ट लाइन तो ही स्टार्ट करते हैं पढ़ना, टू बिगिन विद शावर पावर वॉज सोल्ड ओनली इन कमर्शियल क्वानिटीज बट टॉम क्विन डिसाइडेड टू सैल इट इन 750 ml बॉटल्स, चेंज हो गया पैकेजिंग है ना, आफ्टर द कॉन्सटेंट रेव्स फ्रॉम कस्टमर्स एट द रिटेल स्टोर नियर ब्रिस्बेन, आफ्टर द कॉन्सटेंट रेव्स कॉन्सटेंट डिमांड कस्टमरस तो उन्हें पैकेजिंग चेंज की थी, उस तो बाद ही उन्होंने अपीलिंग लगेगी ना, जिमें हुण अपनी कोई डिमांड पूरी हुई आपां नूं वो चीज़ अपीलिंग लगेगी, तो इहदा आंसर आजूगा जी बी ऑप्शन, 12th का आंसर इज बी। हुण आपां 13th वाल चलते हैं, वाई डिड टॉम क्विन डिसाइड नॉट टू सैल ऑस्क्लीन, ए नो वन वॉन्टेड टू बाय ऑस्क्लीन, B new products were being developed in Osglen, C he couldn't make an agreement on the price with the buyer, D he wanted to keep things unchanged, hun eda answer apa dekhde hain kithon aayega ji, eda answer aayega ji G paragraph de vichon, G paragraph di last third line chon, the Quinn and Heron families are still involved, Osglen has been approached with offers to buy the company but Tom Quinn says he is happy with the things as they are, we are having too much fun, matlab jive cheeza hagiyan ne oh ch assi bahut khush haan sanu bahut maza aa reha hai is cheeza naal, matlab oh kuch vi change nahi karna chahunda si na kyunki oh bahut khush si, ta apna ede according answer ki banda hai, ede according ji answer auga apna D option, he wanted to keep things unchanged, मतलब वो चीज़ों बिना चेंज किए रहना चाहता सी, मतलब चेंज नहीं करना चाहता सी चीज़ों वो, तो अपना 13th का आंसर इज डी, सो दैट वॉज द पैसेज, तो जो ओवरऑल गल करिए पैसेज ईजी सीगा जी, जो आपको थोड़ी बहुत वोकैबलरी की इनफॉर्मेशन है थोड़ी बहुत आपको सिनोनियम्स की इनफॉर्मेशन है तो ईजीली आप 13 out of 13 ये स्कोर कर सकते हैं, सो या दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।